जरा सोचिए, आपके किसी बहुत ही खास दोस्त की शादी है और आप उसकी शादी में बेस्टमैन बनकर जाओ, यानी सरवाला बनकर जाओ, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे आ जाएं और वहाँ मौजूद सभी को मारने की कोशिश करें, तो आप क्या करेंगे? मूवी बहुत ही मजेदार है, एंड तक बने रहें। मूवी का नाम और फुल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बहुत ही अमीर आदमी है जिसका नाम है चक। वो अपनी किडनैप हुई बेटी को बचाने के लिए 5 प्राइवेट असैसिन को भेजता है। वे सब सेफली ब्रुक को बचा लेते हैं और उस बिल्डिंग से बाहर आने की कोशिश करते हैं। उनके रास्ते में जो भी किडनैपर आता है वे उसका काम तमाम कर देते हैं। उनका एक आदमी वैन में बैठकर उनका इंतजार कर रहा था। कैल और एंड्रस ब्रुक को लेकर वैन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई चुपके से आकर जेके को मार देता है। तभी वहां पर ब्रैडली एक्सेल को लेकर आता है। एक्सेल के पेट में गोली लगी थी, लेकिन तभी वहां पर कुछ और गुंडे आ जाते हैं और एक गोली एक्सेल के सिर में लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। फिर ब्रैडली जेके को साइड करके खुद उस वैन को ड्राइव करता है और वे एक्सेल को मरा हुआ समझकर वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं, जो कि बाद में उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। इस घटना को 1 साल बीत जाता है। अब ये तीनों असैसिन, जो एक दूसरे के भाइयों से भी बढ़कर थे, अलग अलग रहने लगे थे। उन्होंने अपने पिछले काम के बाद एक्सेल और जेके की फैमिली को भी नहीं संभाला और ना ही उस काम में जितने रुपए उनको मिले उनका शेयर उनकी फैमिली को दिया। अब ब्रैडली एक पहाड़ी इलाके में रहता है, तभी कैल उसको मिलने आता है। ये दोनों कजन्स थे। अपने आखिरी काम के बाद इन लोगों ने रिटायरमेंट ले ली थी। एंड्रस बैंकॉक में चला गया था और वहाँ से कभी नहीं लौटा। फिर कैल ब्रैडली को बताता है कि मैं शादी कर रहा हूँ, वो भी ब्रुक के साथ, जिसको हमने लास्ट टाइम बचाया था। एंड्रस का कोई अता पता नहीं है। उसके नंबर पर मैंने मैसेज भी छोड़ दिए थे और उसको मेल भी किए, क्योंकि उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शादी में बेस्टमैन बनकर आओ। ब्रैडली मान जाता है और उसे बधाई देता है। उनकी शादी उस शहर के सबसे बड़े और महंगे रिसोर्ट में थी। फिर वहाँ ब्रुक आती है और अपने पापा से मिलती है। उन्होंने ये होटल 1 हफ्ते के लिए बुक किया था, पूरा का पूरा होटल। ब्रुक के साथ कैल भी आया था, जो सामान लेकर सीधा कमरे में चला गया। फिर वहाँ ब्रुक की छोटी बहन हेली भी आ जाती है। चक अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन तभी वहाँ उस रिसोर्ट का मैनेजर आ जाता है। वो कहता है कि बस थोड़े से मेहमान बचे हैं और जो अभी जाने वाले हैं, उसके बाद सारा रिसोर्ट 1 सप्ताह के लिए आपका। ब्रुक पूछती है, क्या आपके रिसोर्ट में सेल सर्विस नहीं है? वो बताता है, नहीं, हमारे होटल में लोग इंजॉय करने आते हैं, यहाँ फोन नहीं चलाते, लेकिन आपको वाईफाई मिल जाएगा। फिर वो सबको अपना होटल दिखाने ले जाता है। तभी ब्रुक की नज़र ब्रैडली पर पड़ती है। वो उनकी शादी अटेंड करने के लिए आया था। फिर ब्रुक ब्रैडली को अपने फादर से मिलवाने ले जाती है। उधर रूम में जब कैल को पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड एंड्रस भी आ चुका है और बार में बैठा है, तो वो उससे मिलने आ जाता है। एंड्रस बताता है कि मैं कभी कभी आए हुए मैसेज पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब मुझे तुम्हारा मैसेज मिला तो मैं सब काम छोड़कर सीधा यहाँ आ गया। फिर वहाँ बैठकर वे अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। उधर रिसोर्ट में घूमते समय चक मैनेजर को कहता है, मुझे तुम्हारे रिसोर्ट का सिक्योरिटी रूम देखना है, मैं यहाँ की सुरक्षा के इंतजाम देखना चाहता हूँ। फिर मैनेजर उन सबको सिक्योरिटी रूम में ले जाता है और दिखाता है कि यहाँ पर हर समय एक गार्ड स्क्रीन के ऊपर नजरें गड़ाए बैठे रहता है। इस होटल के चप्पे चप्पे में कैमरे लगे हुए हैं। फिर ब्रुक कैल और एंड्रस के पास जाती है। एंड्रस अपनी शराब की बोतल लेकर वहाँ से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों बातें करो, मैं चला। फिर वे सब शाम को डिनर पर मिलते हैं। ब्रैडली ब्रुक की बहन हेली की तरफ अट्रैक्ट था। कैल कहता है, एंजॉय करो, लेकिन उसके साथ दिल मत लगाना, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। लेकिन एंड्रस का दिल तो पियानो बजाने वाली के ऊपर आया हुआ था। फिर वो पियानो बजाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। कैल कहता है कि मुझे तो लगता था कि इसको सिर्फ लोगों की गेम बजानी आती है, ये तो पियानो भी अच्छा बजा लेता है। फिर वहाँ से जाते समय कैल अपने कजन को शादी की रिंग देता है और कहता है कि अपने साथ साथ इसको भी सुरक्षित रखना। लेकिन तभी ब्रैडली का शिकार खुद चलकर उसके पास आ जाता है। लेकिन अब इन दोनों का यहाँ क्या काम? वे दोनों वहाँ से उठकर स्विमिंग एरिया में चले जाते हैं। खूबसूरत केली को अच्छे से पता था कि किसी आदमी को अपने जाल में कैसे फंसाना है। आग दोनों ही तरफ बराबर लगी हुई थी। फिर वे दोनों एक दूसरे के प्यार की गहराई में ऐसा खोते हैं कि सुबह ही उनकी आँख खुलती है। रिंग सेरेमनी का टाइम होने ही वाला था और वे दोनों ऑलरेडी लेट हो चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैनेजर सिक्योरिटी रूम में आता है और वहाँ बैठे गार्ड को पीने के लिए कॉफी देता है। उसके चेहरे की घबराहट बता रही थी कि वो कॉफी में कुछ मिलाकर लाया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चक एंड्रस के पास जाता है, क्योंकि उस समय एंड्रस उसका मेहमान था। फिर बातें करते करते वे बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं
उधर मैनेजर किसी को फोन करके बताता है कि सिक्योरिटी रूम में गार्ड बेहोश हो गया है, हम जल्दी ही मिलेंगे। अब वो मंगल घड़ी आ गई थी जब कैल और ब्रूक की रिंग सेरेमनी होनी थी। ब्रूक अपने फादर के साथ आती है, वो बेहद नशे में था। सबको थोड़ा अजीब लगा, एंड्रेस भी नशे में था, लेकिन वो इस तरह से ट्रीट कर रहा था जैसे बिल्कुल होश में है। फिर ब्रैडली जाके चक को संभालता है और उसे आराम से चेयर पर बिठा देता है। उस समय मैनेजर किचन में जाता है और वहाँ बने दरवाजे से कुछ गुंडों को अंदर बुला लेता है। अंदर आते ही वे किचन में मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। फिर उनका बॉस, जिसका नाम एक्सल था, वो मैनेजर के पांव में गोली मार देता है और कहता है कि भाई लगना भी तो चाहिए तुम मेरे साथ नहीं मिले हुए। फिर वो मैनेजर को सिक्योरिटी रूम में ले चलने के लिए कहता है ताकि वहां से पूरे रिजॉर्ट पर नजर रखी जा सके। उधर कैल ब्रैडली से रिंग मांगता है, लेकिन ब्रैडली चेक करता है कि रिंग उसके पास नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं उसे कमरे में भूल गया हूँ, अभी लेकर आया। हैली भी उसके पीछे पीछे जाती है। इतनी देर में मैनेजर एक्सल को लेकर सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है और एक्सल जाते ही बेहोश पड़े गार्ड को शूट कर देता है। दोस्तों, एक्सल वही है जिसको मूवी की शुरुआत में गोली लगी थी और कैल उसे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ आया था। फिर एक्सल के गुंडे हर एग्जिट गेट पर बम लगा देते हैं ताकि कोई भी जिंदा बाहर ना जा सके। फिर वो मार्शल को सीसीटीवी में पूरे रिजॉर्ट पर नजर रखने के लिए कहता है और अपने साथी विक्टर को शादी वाली जगह पर पहुंचने के लिए कहता है। उधर हैली को रिंग मिल जाती है जो स्विमिंग एरिया में पड़ी थी। फिर वो ब्रैडली के रूम में जाती है और उसे बताती है कि रिंग मिल गई है। फिर वे कैल के पास जाने लगते हैं, लेकिन इतने में एक्सल के असैसिन्स शादी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जो भागेगा उसी को शूट किया जाएगा, इसलिए चुपचाप खड़े रहो। इतना सुनते ही वहां पर भगदड़ मच जाती है और जो भी भागता है वे उसको शूट करने लगते हैं। वे चक के सभी बॉडीगार्ड्स को मार देते हैं। कुछ लोग बच के एग्जिट गेट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां इतना बड़ा धमाका होता है कि ब्रैडली और हैली को भी पता चल जाता है बाहर कुछ गड़बड़ हुई है। कैल चक और ब्रूक को कैसीनो में ले जाता है, लेकिन वे असैसिन्स वहां भी आ जाते हैं। कैल छुप के एक असैसिन को मार देता है और उसकी गन लेकर दूसरे को भी मार देता है। उस समय एंड्रेस अपना नशा उतारने के लिए वॉशरूम में गया हुआ था और जब उसे गोलियों की आवाज आती है तो वो भी अलर्ट हो जाता है। कुछ लोग जो वहां से भागे नहीं थे वे उन्हें नहीं मारते और उनको ले जाकर वे वेटिंग एरिया में बंद कर देते हैं। केल ब्रूक को कैसीनो से बाहर जाने के लिए कहता है और चक को अपने साथ वहां से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन इतने में वहां एक असैसिन आ जाता है। ब्रूक जब वहां से बाहर निकलती है तो एक्सल और मार्शल उसे सीसीटीवी में देख रहे होते हैं। फिर एक्सल उसे पकड़ने के लिए जाता है। एक्सल के आदमी उस समय रिजॉर्ट के चप्पे चप्पे में छानबीन कर रहे थे। कैसीनो में भी एक असैसिन कैल और चक को पकड़ लेता है, लेकिन कैल की किस्मत अच्छी थी, वहां एंड्रेस आ जाता है और वो विक्टर पर गोलियां बरसा देता है। गोली मास्क पर लगने के कारण वो मरता नहीं बस बेहोश हो जाता है। ब्रूक बचते बचाते किचन तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां एक्सल आ जाता है। वो कहता है कि यहां कोई है, मैं होटल का सिक्योरिटी गार्ड हूं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्रूक को पता था कि वो झूठ बोल रहा है। वो किचन का चप्पा चप्पा छान मारता है, लेकिन ब्रूक उसे नहीं मिलती। कैसीनो में विक्टर को भी होश आ जाता है। चक अभी भी वहीं पर था और एक्सल भी वहां पर पहुंच जाता है। वो चक को देखकर कहता है, मेरी बेटी की शादी होती तो मैं भी इतना ही नशे में होता। फिर वे चक को उठाकर उसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर शादी हो रही थी। ब्रैडली और हैली वे दोनों भी बचते बचाते उसी हाल में पहुंच जाते हैं। फिर हैली को अपने पापा की आवाज सुनाई देती है और वो उन्हें आवाज लगाने लगती है। एक्सल जब हैली को देखता है तो उसकी नजर ब्रैडली पर भी पड़ती है और वो उन पर गोलियां चला देता है, लेकिन वे बच जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ब्रूक अभी भी किचन में ही थी और अब वहां कोई और असैसिन घूम रहा था। तभी वहां पर एंड्रेस आ जाता है और उसे मारकर ब्रूक को बचा लेता है। ब्रैडली और हैली एक रूम में पहुंच जाते हैं। हैली पूछती है, तुम उसे कैसे जानते हो? वो कहता है कि एक्सल तो मर चुका था, मुझे नहीं पता ये जिंदा कैसे हो गया। हैली उस पर बहुत गुस्सा होती है। फिर वो ब्रैडली को बताती है कि मेरे पापा के पास एक सैटेलाइट फोन है, वो इस समय भी चल रहा होगा, चलो उसको ढूंढते हैं। उधर चक एक्सल से पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? एक्सल कहता है कि एक साल पहले मैं इन लोगों के साथ ही तुम्हारी बेटी को बचाने गया था, जब मुझे दो गोलियां लगी थी, एक पेट में और एक सिर में। फिर बाकी के बंदे मुझे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ आए। तुम्हारी बेटी के किडनैपर्स ने मुझे पकड़ लिया और 2 महीने तक प्रताड़ित किया, लेकिन फिर वो समय आ गया जब मैंने उन सभी को सुला दिया और यहाँ तुम्हारे पास आ गया एक नए प्लान के साथ। हमारा एक और साथी वहाँ पर मारा गया था, जेके, उसकी भी एक बेटी थी, क्या कभी किसी ने उसको संभाला है? फिर ये कहकर वो चक के पेट में गोली मार देता है। फिर पूछता है कि तुम खुद की और अपनी बेटियों की जान के बदले में क्या कीमत दे सकते हो?
चक उसे $1 मिलियन देने की बात करता है, लेकिन बार्गेनिंग करने पर $7.5 मिलियन में बात डन होती है। फिर चक कहता है, मेरी बेटियों को कुछ भी होना नहीं चाहिए, बाकी सब भाड़ में जाएं। उधर ब्रैडली भी एक विकेट गिरा देता है और उसकी गन लेकर आगे बढ़ने लगता है। उधर सिक्योरिटी रूम में बैठा मार्शल अनाउंसमेंट करके बताता है कि हमारे 5 शिकार रिसोर्ट में खुले घूम रहे हैं। ब्रैडली और हैली एक साथ, एंडरसन और ब्रूक एक साथ, और कैल अकेला। कोई उन्हें मेरे लिए मारने का कष्ट करेगा? फिर एंडरसन ब्रूक को कहता है, हमें अभी यहाँ पर कोई मारने आएगा, तुम बस अपने हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। तभी वहाँ पर एक असैसिन आ जाता है और एंड्रेस उसे मार के उसके कपड़े पहन लेता है। फिर वो ब्रूक को मार्शल के पास ले जाने लगता है। मार्शल दरवाजा खोल देता है और अंदर आकर एंड्रेस उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती है। फिर उन दोनों में खूब हाथापाई होती है, लेकिन ब्रूक मार्शल की गन लेकर मार्शल को ही शूट कर देती है। इस हाथापाई में एक गोली मैनेजर को भी लग गई थी, जिससे उसकी टाइटाइम फिस हो गई थी। फिर एंड्रेस ब्रूक को एक गन देकर बाकियों की मदद करने के लिए वहां से चला जाता है। ब्रैडली और हैली चक के रूम में पहुंच जाते हैं और सैटेलाइट फोन ढूंढने लगते हैं। ब्रैडली उस समय बाहर घूम रहे असैसिन को मारने चला जाता है। हैली को फोन मिल जाता है, लेकिन इतने में वहां पर विक्टर आ जाता है। वो हैली को मारने ही वाला था, तभी वहां ब्रैडली आ जाता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। हैली 911 पर कॉल करके कहती है, हमें मदद चाहिए, लेकिन वे कहते हैं कि हमें आधा घंटा लगेगा। इतने में विक्टर ब्रैडली को पीट पीट कर उसे रूम की बालकोनी से नीचे गिरा देता है। हैली रूम से भाग जाती है। ब्रैडली नीचे गिरकर भी मरा नहीं था, लेकिन घायल जरूर हो गया था। वो उठ के फिर से हैली को बचाने जाता है। हैली और विक्टर स्विमिंग एरिया में चले जाते हैं, लेकिन इतने में वहां पर कैल आ जाता है। फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। विक्टर उसके ऊपर भी भारी पड़ता है। इतने में वहां पर ब्रैडली भी आ जाता है और विक्टर को लेकर स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। वो पानी में विक्टर का दम घोटकर उसे मार देता है। फिर कैल और हैली ब्रैडली को पानी से बाहर निकालते हैं। उधर एंड्रेस एक और विकेट गिरा देता है और अपनी पियानो वाली बाई को बचा लेता है। एक्सल चक को लेकर सिक्योरिटी रूम में जाता है ताकि पेमेंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। ब्रूक दरवाजा खोल देती है, अगर नहीं खोलती तो वो बुढ़ऊ को मार देता। फिर अंदर आकर वो चक से पासवर्ड पूछता है और उसके अकाउंट में जितने भी रुपए होते हैं उन्हें अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। फिर ब्रूक को लेकर वो वहां से चला जाता है। अब फाइनली वो समय आ जाता है जब एक्सल का सामना अपने पुराने तीनों दोस्तों से होता है। एक्सल कहता है कि अपने हथियार नीचे रख दो, वरना ब्रूक को मार डालूंगा। कैल उसे समझाने की कोशिश करता है, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। एक्सल कहता है कि मुझे सफाई की जरूरत नहीं है, बस गन नीचे रख दो। एंड्रेस गन नीचे रख देता है और जैसे ही ब्रूक साइड होती है, कैल उसका भेजा उड़ा देता है। तभी वहां पर हैली और चक भी आ जाते हैं। ब्रैडली कहता है कि इससे पहले कोई और टांग अड़ाए, तुम लगे हाथ अपने शादी वाला काम भी निपटा लो। एंड्रेस कहता है कि मेरी हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे आगे से किसी शादी में मत बुलाना। तो दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी शादी में जाना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। या फिर आप कभी ऐसी शादी में गए हो जहां विघ्न पड़ गया हो? मुझे आपके मजेदार कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।